नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और हम देखने वाले इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपने आईफोन 11, 12 या फिर 13 में जो भी आपके प्राइवेट फोटोज है उन्हें हाइड कर सकते हो, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ। हालांकि आपको पता होगा फोटोज ऐप में आप ऐसा कर सकते हो, आपके फोटोज और वीडियोज को हाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी पासवर्ड होता नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा अगर मैं यहाँ पे किसी भी फोटोज को हाइड करता हूं, आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट करना है और आपको करना है हाइड। यहाँ पे शेयर के आइकन पे टैप करके करना है हाइड। तो यहाँ पे जो फोटोज है हाइड 3 फोटोज, 3 फोटोज यहां से हाइड हो चुकी है। इसका मतलब है कि आपके मेन एल्बम में, मेन फोल्डर में जो फोटोज होगी शो नहीं होगी। लेकिन जैसे आप यहाँ पे बैक जाओगे और नीचे आओगे, आपको यहाँ पे मिलता है हिडन का एक फोल्डर। इस पे अगर आप टैप करोगे तो जो भी आपने हाइड किए हुए है फोटोज या वीडियोज आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो आपने तो देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी आता है, अगर आपने अपना फोन किसी को भी दे दिया और आपने अपने फोटोज या वीडियोस हाइड करके रखे हुए, तो यहाँ पे कोई भी आकर हिडन में जा सकता है बिना पासवर्ड के और आपके सारे जो हिडन फोटोज वीडियोस है उसे देख सकता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो जो भी आप हाइड करो फोटोज वीडियोस उसमें पासवर्ड हो आपके अलावा उसे कोई देख ना सके, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए एक ट्रिक है। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, तो मान लो आपको जिन किसी फोटोज को सिलेक्ट करना है, हाइड करना है, आपको उन्हें ओपन करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके उन्हें सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 5 फोटोज को हाइड करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे इन्हें सिलेक्ट कर दिया है। फिर आपको शेयर के बटन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको नोट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो नोट्स, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे कोई भी टाइटल देना है अगर आप देना चाहते हो तो, बिल्स, और फिर आपको यहाँ पे करना है सेव। अब जो आपने फोटो एड किए वो चले गए नोट्स में, तो आप देखो कि यहाँ पे नोट्स ऐप में आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्स का एक नोट और जहां पे आपने आपके फोटोज को हाइड किया, ठीक है, 5 फोटोज यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपने फोटोज यहाँ पे ऐड किए हैं नोट में, आपको उन्हें सिलेक्ट करना है और यहां से करना है डिलीट, रिमूव फ्रॉम एल्बम नहीं करना है, आपको करना है डिलीट। डिलीट करने के बाद ये जो फोटोज होंगे डिलीट किए हुए ये जाएंगे यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड में, आपको यहां से भी सभी को करना है डिलीट, डिलीट ऑल। तो हमने यहां पे उन फोटोज का नामो निशान यहां से मिटा दिया है, ठीक है। तो अब जो फोटोज है केवल आपको मिलेंगी नोट्स ऐप में, लेकिन ये जो नोट है कोई भी इसे ओपन कर सकता है, तो इसका भी जुगाड़ है। तो आपको यहां पे इसे ओपन करना है, ठीक है, फिर आपको यहां पे थ्री डॉट पे टैप करना है और यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन लॉक का, आप यहां पे देख सकते हो, आपको लॉक के आइकन पे टैप करना है और यहां पे सबसे पहले अपना पासवर्ड यहां पे सेट करना है। तो मैं यहां पे अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूं और फिर आपको यहाँ पे हिंट ऐड करना है, ताकि आपको अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो कभी तो हिंट देखकर आपको याद आए कि आपने पासवर्ड कौन सा डाला हुआ था, तो आप कोई भी यहाँ पे हिंट दे सकते हो। फिर आपको यहाँ पे करना है डन, हमने डन कर लिया, ठीक है, बैक आइए। बैक आने पर यहाँ पे आपको लॉक का आइकन दिखाई देगा, लेकिन ये अभी तक लॉक हुआ नहीं है, तो आप इसे ओपन करोगे तो बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर में दिखाई देगा लॉक का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और ये अब लॉक हो चुकी है नोट। जैसे आप बैक आओगे यहां पे भी आप देख सकते हो नोट लॉक हो चुकी है। अगर मैं इसे ओपन करना चाहूंगा तो मैं यहां पे इसे ओपन नहीं कर सकता बिना पासवर्ड डाले, मुझे यहां पे करना पड़ेगा व्यू नोट और फिर मुझे जो पासवर्ड मैंने सेट किया हुआ है वो मुझे यहां पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पासवर्ड डालने के बाद आपको करना है ओके, इसके बाद ही मैं यहां पे जो नोट है उसे देख सकता हूं। अगर आप बिना लॉक किए बैक जाते हो तो आपको यहां पे नीचे भी ऑप्शन मिलता है लॉक नाउ का, आप यहां पे देख सकते हो, आपको यहां पे टैप करना है लॉक नाउ पे, नीचे जो नोट्स होंगी वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो आप कभी भूल गए इसे लॉक करना और आप बैक आ गए, लेकिन बैक तो आना है लेकिन आपको क्लोज करना है नोट ऐप को, उसके बाद जो नोट होगी वो अपने आप यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आप पासवर्ड डालने के प्लेस पे जो फेस आईडी अपना उसका भी यूज कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको यहाँ पे नोट्स ऐप को ओपन करना है, नोट्स ये रहा, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन पासवर्ड का, आपको इस पर टैप करना है और यूज फेस आईडी इसे इनेबल करना है, अपना जो पासवर्ड होगा उससे कंफर्म करना है। इसके बाद आपको नोट ऐप्स को क्लोज करना है, वापस उसे ओपन करना है। अब आप देखोगे यहां पे फेस आईडी से ये नोट ओपन हो चुकी है, ठीक है, और यहां पे आपके बिना कोई भी जो आपकी नोट है ओपन नहीं कर सकता, मतलब आपके फोटोज यहां पे देख नहीं सकता और आप यहां पे टैप करके उसे वापस लॉक कर सकते हो या फिर इस तरीके से आप अनलॉक करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप नीचे से भी यहां पे टैप करके उसे लॉक कर सकते हो। यहां पे कोई भी आपके पासवर्ड और फेस आईडी के बिना कोई भी इसे देख नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों मान लो आपको लगता है कि मुझे जो फोटोज है वापस फोटोज ऐप में डालने हैं, वापस उन्हें अनहाइड करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको फोटो पे लॉन्ग टैप करना है यहां पे शेयर, फिर यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन सेव इमेज का, आपको इस पर टैप करना है
दोस्तों आपको इस तरीके से लॉन्ग टैप करके करना है शेयर और सेव इमेज, सभी पिक्स को आपको ऐसे करना है अगर आपको उन्हें अनहाइड करना है तो। दोस्तों इस तरीके से सभी फोटोज को जब आप सेव इमेज करोगे तो आपको जाना है फोटोज ऐप में, और यहाँ पे आपको जाना है एल्बम में, रिसेंट में, और यहाँ पे सबसे नीचे में आपको मिलेंगे जो भी फोटोज आपने सेव किए हैं अभी नोट्स में से गैलरी में, यहाँ पे शो होंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोटोज को हाइड अनहाइड कर सकते हो पासवर्ड के साथ।